हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं व्हाइट मटन बिरयानी। आप इसे व्हाइट मटन पुलाव भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना ही टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हमने टमाटर की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। इसकी रेसिपी मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 kg मटन और उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो इसे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है 2 चम्मच बिरयानी मसाला। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी बिरयानी मसाला अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच जीरे का पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जो है हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। 10 से 15 हमने हरी मिर्च ली है और उसे हमने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लिया है। आप तीखा जितना खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 100 ग्राम इसमें मैंने दही ऐड किया है। इसके ऊपर से मैंने बहुत सारा हरा धनिया का पत्ता ऐड कर दिया है और पुदीने का पत्ता भी उसे मैंने फैनली चॉप करके ऐड कर दिया है। इसके ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू। नींबू के रस से जो है इसका फ्लेवर बहुत ही इनहेंस होकर आता है। और फ्रेंड्स, मैरिनेट करने के बाद जब हम बनाते हैं बिरयानी, तो जो हमारी बिरयानी बन के रेडी होती है बहुत ही यमी बन के रेडी होती है और जो हमारा मटन होता है बहुत ही जूसी रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले मैरिनेट करके ही मटन बिरयानी बनाएं। और फ्रेंड्स, ये मटन बिरयानी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तब इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट करके हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इसे हाथों से ही मिक्स करें क्योंकि ये हाथों से जो ही है, हाथों से मिक्स करने से जो है मटन के ऊपर मसाला अच्छे से मिलता है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक ऐड किया है। बस इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसे रख देंगे मैरिनेशन पे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, जल्दी बनाना हो, तो आप इसे डायरेक्टली भी कुक कर सकते हैं। मटन हमारा मैरिनेट हो रहा है, जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 kg चावल और मैंने एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस ली है, देख सकते हैं। इसे हम सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे भिंगोकर इसे भी हम 1/2 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो चावल भींगा हुआ रहता है वो बहुत ही खिला खिला बन के तैयार होता है। इसके बाद हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल और उसे हमने गरम कर लिया है। इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने लिया 30 पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री, जायफल। इन सबको जो है हम मसाले में थोड़ा सा चटकने देंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से चला जाए। इसके बाद हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। एकदम हमने गोल्डन ब्राउन इसे फ्राई कर लेना है। प्याज जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसमें से हम बिल्कुल थोड़ा सा जो है निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया 8 से 10 हरी मिर्च और उसे मैंने बीच से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे जो है हमने प्याज में अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो इसमें निकल जाएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे मटन को। मटन को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट हम हाई फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें इसे कवर करके 40 से 45 मिनट इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। मटन हमारा कुक हो रहा है, जब तक हम बिरयानी की चटनी रेडी कर लेते हैं। तो बिरयानी की चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टमाटर और 3 से 4 लाल मिर्ची और कुछ लहसुन की कलियां। इसे हमने इसमें पानी में ऐड कर दिया है और इसे हम 5 से 7 मिनट बॉईल कर लेंगे। मटन को कुक होते 40 से 45 मिनट हो चुका है, तो देख सकते हैं कितना बढ़िया है। जो मटन है हमारा वो अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल जो है एकदम दिख रहा है। तो बस इसी में हमने फटाफट से पानी ऐड कर लेना है। चावल हमने 1.5 किलो लिया है, तो पानी में 2 लीटर यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी की जो क्वांटिटी है वो ना ही ज़्यादा और ना ही कम होनी चाहिए, इससे जो है हमारा चावल कच्चा या फिर ज़्यादा पक जाएगा।
इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसके साथ ही हम जो इसमें 2 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कवर करके हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने तक कुक कर लेंगे। इसमें बॉईल आ चुका है, अब इसे हम अच्छी तरह से एक बार चला लेंगे ताकि मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें फटाफट से जो चावल को भिंगो कर रखा हुआ था उसे इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे ही ऐड करेंगे। चावल को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे एक बार और इसे कवर करके हम हाई फ्लेम पे इसे कम से कम 4 से 5 मिनट कुक कर लेंगे और जो हमारा पानी है इसमें का काफ़ी हद तक सोक कर जाएगा, तब हम इसे चेक करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें का जो पानी है वो काफी हद तक सोक कर गया है। इसके ऊपर से हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है और भी इन्हेंस हो जाएगा। और इसके साथ ही हम इसमें एक ढक्कन केवड़ा वाटर के ऐड कर देंगे और ऊपर से जो हमने प्याज को फ्राई किया हुआ रखा था उसे ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे और इसे कवर करके करीब 10 मिनट के लिए हम इसे दम कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारा जो टमाटर है वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है, हम इसकी फटाफट से मिक्सी जार में एक ठंडा करने के बाद इसका चटनी बना लेंगे। तो देख सकते हैं जो चटनी है हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं हमारी जो बिरयानी है वो बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना खिला खिला और कितना परफेक्ट चावल जो है इसका एक एक दाना कितना खिला खिला बनके रेडी हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस इसी तरह से हमने इसे रेडी कर लेना है और फ्रेंड्स आइए इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा वाइट मटन बिरयानी है वो एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स इसे चटनी के साथ सर्व करें, साथ ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।